आप कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, आपकी बैक नेक एंड स्पाइन को सीधी रखें और अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा या चिन मुद्रा में रखें। और अगर आप चाहें तो भैरवी मुद्रा में भी रख सकते हैं और या फिर ऐसे कंफर्टेबल पोजीशन में, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उसी पोजीशन में आप बैठें। और थोड़ी देर अपनी सांस प्रश्वास की क्रिया पर ध्यान दें कि आपकी सांस प्रश्वास की क्रिया कहाँ हो रही है। आपकी सांस प्रश्वास की क्रिया सीने में है या पेट में है, केवल आप इसी के ऊपर ध्यान दें थोड़ी देर। अब चलिए हम लोग शुरुआत से शुरू करेंगे प्राणायाम की। हम लोग स्टार्ट करेंगे एब्डोमिनल ब्रीदिंग से। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपना हाथ लें और आपके पेट के ऊपर रखें ऐसे, ताकि आपको अवेयरनेस रहे कि आपको पेट से सांस लेनी है। ठीक है, आप आंख चाहे बंद रख सकते हैं चाहे खोल के रख सकते हैं, जैसे भी आपको उचित लगे। उसके बाद आप सांस को धीरे से पेट के अंदर भरें ताकि आपका पेट फूले। और उसके बाद सांस को आप पेट के द्वारा छोड़ें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ से कि मेरा पेट अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है, ऐसे आपको ये प्रैक्टिस करनी है। करीबन हम लोग करेंगे 20 बार। तो चलिए शुरू करते हैं। सांस को पूरी तरीके से छोड़ें सांस को अंदर लें सांस को बाहर छोड़ें। सांस को अंदर लें सांस को बाहर छोड़ें। सांस अंदर सांस बाहर। सांस अंदर सांस बाहर। सांस अंदर सांस बाहर। सांस अंदर और सांस बाहर। फिर अपने हाथ को वापस आप अपने नी के ऊपर लेके आए और थोड़ी देर शांत अवस्था में बैठें। और अपनी सांस प्रश्वास की क्रिया पर फिर से ध्यान दें। दूसरा राउंड, फिर से आप अपने हाथ को पेट के ऊपर लेके जाएं और फिर सांस पेट के अंदर लें और सांस को छोड़ें पूरी तरीके से। ऐसे ही हम लोग 15 से 20 राउंड करेंगे। सांस अंदर सांस बाहर।
सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर और सांस बाहर। अपने हाथ को वापस अपनी नी के ऊपर लेके आए और आंख बंद करके थोड़ी देर ध्यान मुद्रा में बैठें। तीसरा राउंड करेंगे, हाथ को पेट के ऊपर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर और सांस बाहर। अपने हाथ को वापस अपनी नी के ऊपर लेके जाएं और थोड़ी देर शांत मुद्रा में बैठें और महसूस करें कितना आनंद हो रहा है, क्या आनंद प्राप्त हो रहा है आपको। सारे दुख कष्ट सारे के सारे दूर जाएंगे और आपके बॉडी में जो भी प्रॉब्लम होगी सारी की सारी ठीक हो जाएगी। जब आपका शरीर सही रहेगा तो आपका मस्तिष्क माइंड भी सही रहेगा। तो कोई भी स्ट्रेस है, कोई एंग्जाइटी है, सारी दूर हो जाएगी और अगर कोई बॉडी में प्रॉब्लम है तो वो भी दूर हो जाएगी। और अब हम लोग करेंगे फुल योगिक ब्रीदिंग। तो उसके लिए आप एक हाथ अपने पेट के ऊपर रखें और एक हाथ को अपने सीने के ऊपर, छाती के ऊपर रखें ताकि हमें महसूस हो कि हम कहाँ ब्रीद कर रहे हैं, है ना। तो चलिए पहले हमें सांस भरना है पेट के अंदर और कंटिन्यू करें सांस को छाती के अंदर। अब छाती से सांस छोड़ें और कंटिन्यू सांस छोड़ते जाएं पूरी पेट के तक। फिर पेट में सांस भरें, छाती में, छाती से सांस छोड़ें, पेट से सांस छोड़ें, पेट से सांस भरें, छाती से सांस भरें, छाती से सांस छोड़ें, पेट से सांस छोड़ें। ऐसे हम लोग पांच और राउंड करेंगे। सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर सांस बाहर। सांस अंदर और सांस बाहर। अपने हाथों को वापस आपकी नी के ऊपर लेके आए
और थोड़ी देर शांत मुद्रा में बैठें। दूसरा राउंड करेंगे, एक और राउंड करेंगे। अपने हाथ को लेके आए अपने पेट और छाती के ऊपर, सांस को लें अंदर पहले पेट से फिर सीने से, फिर सांस को छोड़ें सीने से फिर पेट से। ऐसे ही करें 10 बार, सांस अंदर सांस बाहर। सांस अंदर सांस बाहर। सांस अंदर सांस बाहर। सांस अंदर और सांस बाहर। अपने हाथों को वापस आपकी नी के ऊपर लेके आए और शांत मुद्रा में बैठें। और फिर धीरे से अपने हाथों को रब करें, और अपने आंखों के ऊपर फेस के ऊपर लगाएं। फिर धीरे से अपने फेस को मसाज करें। और प्रेयर पोज में धन्यवाद दें। और फिर धीरे से अपनी आंखों को खोल लें जब भी आप रेडी हों। सो भाइयों बहनों, ये था हमारा पहला दिन 10 डे सिस्टमैटिक प्राणायाम प्रैक्टिस हिंदी में। आशा है कि आप प्रैक्टिस करें मेरे साथ, और आप कृपया इस प्रक्रिया को, इस वीडियो को आप कम से कम 5 दिन से 1 सप्ताह तक प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस में लाएं। उसके बाद जो दूसरा वीडियो है, जो सेकंड डे का वीडियो है, उसको करें, ताकि आप पहला जो वीडियो है ये करेंगे तो क्या है कि आपके जो पूरे मसल्स जो हैं अंदर, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो वार्म अप हो जाएंगे और वो रेडी हो जाएंगे ताकि आप दूसरे प्राणायाम कर सकें। तो जैसे कि आप ये नहीं सोचें कि अगर हमने ये कर लिया अभी हम और कुछ भी करते हैं, है ना। तो सिस्टमैटिक का मतलब क्या है, सिस्टमैटिक। तो आपको ये जो है इस वीडियो को कम से कम 1 हफ्ते तक करना चाहिए, उसके बाद फिर आप दूसरे वीडियो को प्रैक्टिस में लेके आए, है ना। ऐसा नहीं ना करें कि आप ये प्रैक्टिस करें और उसके बाद आप दूसरा कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, ये सारे के सारे आप करना चालू कर दें, है ना। तो ये ऐसा नहीं करना। अगर आप बिगनर हैं, अगर आपने पहले से प्राणायाम किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप बिगनर हैं और अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो कृपया आप मेरे साथ चलें। जैसे जैसे सिस्टमैटिक प्राणायाम प्रैक्टिस है उसके हिसाब से ही करें। तो इस वीडियो को 1 हफ्ते के बाद आप दूसरे वीडियो को 1 हफ्ते तक उसको करें और फिर ऐसे कंटिन्यू करें, है ना। तो मुझे बताइए कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई परेशानी है, तो मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे योगा विद अमित में ज्वाइन किया, और आशा है कि आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।